नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नवजात सहित एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, एक बच्चा तो मात्र 2 दिन का है। जानकारी के अनुसार यहां के करालपोरा में रहने वाले एक गैर स्थानीय परिवार के 5 सदस्यों की मंगलवार रात को कमरे में संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को दोस्तों अपने कब्जे में लिया है। जानकारी के अनुसार मृतक परिवार उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी माजिद अंसारी अपने परिवार के साथ करालपुरा में एक किराए के मकान में रह रहा था। परिवार में वह उसकी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। तीनों बच्चों में एक 7 साल का, दूसरा 5 साल का और तीसरा महज 2 दिन का था। पहले परिवार के सभी 5 सदस्य सुबह बेहोशी की हालत में पाए गए। आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें जब अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टरों ने दोस्तों सभी को मृत घोषित कर दिया। BMO करालपुरा मोहम्मद सफी ने बताया कि जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ही परिवार के 5 सदस्य मृत पाए गए हैं। मैं एम्बुलेंस से दोस्तों यहाँ पहुंचा और देखा कि एक कमरे में 5 लोग मृत पड़े हैं, जिनमें 3 बच्चे जिनमें 5 साल, 7 साल और 1 2 दिन का था। मौत का कारण मोनोऑक्साइड विषाक्त हो सकता है। परिवार के सदस्यों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा जा रहा है कि दम घुटने से दोस्तों इनकी मौत हुई है। फिलहाल दोस्तों पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहुत ही बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित।